जिला सोलन में बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते शहर में अप्रिय घटना होने की संभावना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब जिला पुलिस सोलन द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों के रजिस्ट्रेशन की जा रही है और अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है। एसपी सोलन योगेश रौल्टा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला सोलन में बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोलनी मेला नजदीक होने के चलते चोरियों की संभावना भी बढ़ जाती है। जिला पुलिस बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की रजिस्ट्रेशन और इंक्वायरी कर रही है ताकि पता चल सके इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी बिल्कुल पुलिस स्टेशन में टाइम टू टाइम रजिस्ट्रेशन हो रही है और हमने जो है एक अभियान भी चलाया है कि जो बाहरी प्रवासी यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो क्राइम करके आया है, कोई सस्पेक्ट अगर लग रहा है तो हम कंसर्न पुलिस स्टेशन से उसकी वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। तो इस अभियान को देखते हुए जो तो कोई सस्पिशियस है या जो कोई क्राइम करके आया है वो तो खुद लोग खुद जो है आजकल शहर में है नहीं है, खुद लोग खुद चले गए हैं। बाकियों की हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अगर हमें लगेगा कोई संदिग्ध है तो कंसर्न थाने को भी उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और यहाँ पर भी एज पर लॉ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।